तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने पा रहा हूं मोदी नगर साउथ से लेकर और मुरादनगर की नहर तक का कितना कुछ वर्क हो चुका है RRTS का, वो आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए केपी संत के चैनल पर और ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन से और अब आने वाला है मोदी नगर साउथ का स्टेशन। तो दिखाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर सारे पिलर बन के तैयार हो चुके हैं। अब इन पर पिलर कैप का काम किया जाना है और पिलर कैप का काम किया जाने के बाद में इस पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि बायोडक्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, देख सकते हैं सारे पिलर ये बन चुके हैं, कंक्रीट भर चुके हैं और बीच बीच में भी अभी ये कुछ पिलर बचे हुए हैं। तो जैसे कि ये पिलर है, इस पर देख सकते हैं रिंग लगा दिए जा चुके हैं। अब इन पर बस कंक्रीट भरना बाकी रह गया पीछे वाले पिलर पर। ये पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो गए, देख सकते हैं इन पर पिलर कैप का काम भी किया जाना है, बस पिलर कैप इन पर बनाना बाकी रह गया। फिर उसके बाद में लॉन्चर लग जाएगा, लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ ये चलता चला जाएगा। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये पिलर कैप का काम भी किया जा रहा है, पिलर कैप लगाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये पिलर कैप लगाया जा रहा है इस पिलर पर और इधर के भी अभी नई पिलर कैप लगे हुए हैं। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदी नगर साउथ का स्टेशन पर कितना वर्क चल रहा है, कितना हो चुका है, कितना बाकी है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर कैप लगा दिए जा चुके हैं, बिल्कुल पिलर कंप्लीट हो चुके हैं इस टाइम पे। अब इन पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है। देखो आप लोग तस्वीरें, तो आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे चल के कि कितना कुछ वर्क है अभी करने के लिए, वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा अभी आप लोगों को। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये बायोडक्ट क्लियर कर लिया गया है मोदी नगर साउथ के स्टेशन से। पहले का बायोडक्ट जो पीछे आप ही लॉन्चर लिखन के गया है, वो जा रहा है मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए। गई तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि उधर पिलर भी बनाए जा रहे हैं और अभी उनमें पिलर कैप का काम भी किया जाएगा। बीच में ये मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ के बीच में अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है पिलर्स का गाइस। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आर्म्स को स्टैंड करने का काम चल रहा है दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में। देख सकते हैं ये सेटरिंग लगा रहे हैं और ये आर्म्स को स्टैंड करेंगे दोनों साइड के। फिर इनके ऊपर जब आर्म्स बन जाएंगे तब इन पर
गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तो अभी कौन कौन से लेवल का बनाए जा रहे हैं देख सकते हैं, ये कहीं कहीं कौन कौन से लेवल के ये आर्म्स को जोड़ा जा रहा है, और कहीं कहीं ऊपर स्टेशन के फ्लोर का भी इस आर्म्स को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद में देख सकते हैं अभी बारिश पड़ रही है हमारे गाजियाबाद में तेजी के साथ में, मोदी नगर में, तो देख सकते हैं तेजी कितनी तेज बारिश पड़ रही है। क्या आप लोगों को आगे का नज़ारा भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, और देख सकते हैं ये यहाँ पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है। बाकी आगे के पिलर्स तो ये कंप्लीट से ही हो चुके हैं सारे के सारे, और इन पर देखते हैं कि लॉन्चर कहाँ पर मिलेगा आगे। तो चलते चल रहे हैं, और आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूँ इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पे जो बनाया जा रहा है गाइस। 82 किलोमीटर का रूट है, और ये दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होता है, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम में जाके ये ख़त्म हो जाता है गाइस। तो देख सकते हैं अभी ये पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, इन पर पिलर कैप का काम ही किया जा रहा है अभी तेजी के साथ में, तो देख सकते हैं। और लॉन्चर आपको बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पर शायद लॉन्चर ये स्टैंड किया जाना है, देख सकते हैं ये लॉन्चर यहाँ पर स्टैंड किया जाएगा, और ये जाएगा ये क्या नाम है मोदी नगर साउथ की तरफ यानी कि स्टेशन की तरफ, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो कुछ ऐसा ही यहाँ का नज़ारा है ये, और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता दूं कि पिलर तो यहाँ के कंप्लीट से ही हो चुके हैं, बाकी अभी बीच बीच में पड़े बचे हुए हैं कहीं भी, इन पे देख सकते हैं ये पिलर अभी भरा जाना, कंक्रीटिंग की जानी है, इधर ये पिलर कैप का काम किया जाना है। तो अभी बस मोदी नगर के अंदर बस यही काम चल रहा है पिलर भरने का और पिलर कैप को लगाने का, और बाकी लॉन्चर लगे हुए हैं देख सकते हैं, दो तीन लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिले होंगे पीछे। और हम चल रहे हैं मुरादनगर के लिए, और मुरादनगर की नहर तक का ये ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो मुरादनगर तक की नहर तक का कितना कुछ वर्क हो चुका है, कितना बायोडक्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है, वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखो ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल पर, और मेरे चैनल को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके हमें बताओ कि वीडियोस कैसे लगते हैं आप सभी को दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई पिलर बनके तैयार नहीं हुआ है क्योंकि फाउंडेशन का काम चल रहा है बीच में, और इधर ये देख सकते हैं पिलर भर दिया गया, कंक्रीटिंग कर दी गई है इस पर, देख सकते सेटरिंग लगी हुई है, और इधर ये पिलर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से, ये पिलर कैप का काम किया जाना, अब थोड़ी बारिश मंदी मंदी सी हो गई है, तो वो हम मैं आप लोगों को सही दिखा पा रहा हूँ, तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, कहीं कहीं इसमें कंक्रीट द्वारा भरे जाएंगे पिलर, कहीं कहीं पिलर कैप का काम किया जा रहा है, बस यही वर्क चल रहा है अभी मोदी नगर के अंदर, देख सकते हैं इसमें कंक्रीटिंग की जाएगी, बाकी के पिलर देख सकते हैं बीच बीच में अभी बचे हुए हैं मोदी नगर के साइड में, मोदी नगर के अंदर। तो अभी हम मोदी नगर से निकलते हुए जा रहे हैं सीधे मुरादनगर के लिए दोस्तों। तो मुरादनगर के और मोदी नगर से और मुरादनगर के बीच में देखेंगे आप लोग कि कितना RRTS का काम हो चुका है, कितना है बाकी। क्या आपको बता दूं इसमें 14,000 वर्कर काम कर रहे हैं, और 1100 इंजीनियर द्वारा इस 82 किलोमीटर के रूट को बनाया जा रहा है, और 30,274 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है गाइस, देख सकते हैं। और इस पर जो रैपिड रेल दौड़ेगी वो दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से, देख सकते हैं। तीसरा लॉन्चर ये है, इसका भी मुंह लॉन्चर का है गाइस, मोदी नगर नॉर्थ के साउथ के स्टेशन के लिए मुंह है उधर की साइड में, यानी कि मेरठ की साइड में ही इसका मुंह है, और बाकी तो इस लॉन्चर ने ये बायोडक्ट क्लियर कर दिया है, देख सकते हैं अपनी आंखों से। देख सकते हैं दोस्तों उस लॉन्चर ने यहाँ तक ये पिलर कंप्लीट कर दिया, बायोडक्ट क्लियर कर दिया, और ये आ जाते हैं मुरादनगर की नहर आगे के लिए। और यहाँ पर देखिए ये लॉन्चर स्टैंड किया गया है मुरादनगर की नहर पे ही, जैसे ही मुरादनगर की नहर को क्रॉस करेंगे वैसे ही लॉन्चर को स्टैंड कर दिया गया, एक पिलर से दूसरे पिलर को उस लॉन्चर ने मतलब बायोडक्ट लगा भी दिया है,
देख सकते हैं आगे, अभी यहाँ पर ये पिलर बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाव दे रखा है, ये लेफ्ट हैंड पे है तो इस वजह से ये पिलर बनाए जा रहे हैं अभी, देख सकते हैं। और लॉन्चर लगा हुआ है ये, और इसका भी मोदी नगर की साइड में इसका मुंह है, और देख सकते हैं इसने दो पिलर कनेक्ट कर दिए इस लॉन्चर ने। इसने पिछली वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ये मुरादनगर की नहर का नज़ारा है गाइस, जो मुरादनगर की नहर है उसका नज़ारा है, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये क्रेन मशीन लगी हुई है, ये देख सकते हैं ये नहर है मुरादनगर की, ये देख सकते हैं मुरादनगर की नहर पे ही चल रहे हैं हम इस टाइम पे। और सारे पिलर यहाँ के कंप्लीट कर लिए गए हैं, अब इन पर बस लॉन्चर द्वारा इन पर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे का नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को एंटरटेन करता रहता है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, यहाँ से ये मोदी नगर क्या नाम है, यहाँ से मुरादनगर स्टार्ट हो जाता है और बायोडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं मुरादनगर का कंप्लीट कर लिया गया है। और स्टेशन भी मुरादनगर का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मुरादनगर के स्टेशन पे कितना कुछ वर्क हो चुका है, कितना है बाकी, वो सब आप लोग अपनी आँखों से देखना। तो बायोडक्ट यहाँ तक क्लियर कर लिया गया है इस RRTS के गाइस, आपको बता दूं ये देख सकते हैं बीच का डिवाइडर भी बना दिए जा चुके हैं, और इन पे अब मिट्टी डाल दी जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में इन पे पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे बीच के डिवाइडर पे गाइस, देख सकते हैं तस्वीर है आप अपनी आंखों से। और आपको बता दूं ये बायोडक्ट ये मुरादनगर की नहर तक कंप्लीट हो चुका है, मुरादनगर की नहर से पल्ली तरफ अभी लॉन्चर लगाया गया है, काम चल रहा है अभी, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मुरादनगर का RRTS के स्टेशन आ जाता है दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें भी अभी आर्म्स को स्टैंड करने का काम चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।